हाय बच्चों, आप कैसे हो? आपने कल पढ़ा, अगली वीडियो के अंदर देखा ही होगा आपको, हमने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। उसके अंदर अक्षर भी बताए कितने कितने होते हैं। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 41। टोटल कितने होते हैं दोनों मिलाकर? 52। और ये आज हम आपको समझा रहे हैं स्वर और व्यंजन, ऐसे आप लिख सकते हो। इसके अंदर देखो ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी वर्णमाला। देखो इसीलिए मैं आपको समझ में आया, इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा है दोनों। एक तरफ लिखा है स्वर वर्ण, एक तरफ लिखा है स्वर वर्ण और दूसरी तरफ लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण। इसके अंदर लिखा हुआ है देखो, स्वर वर्ण के अंदर हस्त स्वर और दीर्घ स्वर, मतलब हस्त स्वर जो जिसके ऊपर मात्रा नहीं है, और दीर्घ स्वर मतलब जिसके ऊपर आ की या कोई भी मात्रा लगती हो। देखो हस्व स्वर के अंदर आते हैं अ ई उ री, और दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं आ ई उ ए आई ओ औ। वैसे ही दूसरी तरफ हम जाते हैं वापस, तो आता है व्यंजन वर्ण। इसके अंदर आते हैं स्पर्श अत स्त उष्म संयुक्त आगत। ये देख लो अलग अलग आपके समझ में आए, इसीलिए आपको कोई भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए हमने अलग अलग लिख के आपको दिया है। देखो स्पर्श के अंदर आते हैं क ख ग ग ण च छ ज ज ण ट ड ड ण त थ द द न प फ ब ब म ड और ड नीचे दिया हुआ है। अंत स्त है य र ल व, और है उसमें है स स स ह, और संयुक्त है अक्ष त्र ज्ञ और स्र, और अगत है ज और फ। जैसे नीचे चित्रों के अंदर आपको समझ में आए अच्छी तरह से, ये दिया हुआ है आपके लिए। धन्यवाद बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ऐसे पढ़ने के लिए अक्षरों को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।